हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक हरदहा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि कैसे हमारे देश के ही लोग हमारे देश के ही बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लोन लेकर के आसानी से विदेश भाग जाते हैं और हमारे देश की बैंक और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, हम यहाँ पर 2 या 2.5 लाख का लोन लेकर अपनी किस्त पटाने में महीने भर की भी देरी करते हैं तो ये साले बैंक और फाइनेंस वाले हमारे घरों के चक्कर काटने लगते हैं और यहाँ कोई हजार करोड़ का लोन लेकर के विदेश भाग जाता है और हमारे देश की मीडिया उसे हीरो बनाने में लग जाती है। उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो खाता क्या है, वो पीता क्या है, वो कहाँ रह रहा है, पहले ललित मोदी, फिर विजय माल्या और अब नीरव मोदी। और अगर बैंकिंग सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो ऐसे लोग आगे भी देश को लूटते रहेंगे। होता ये है दोस्तों, ऐसे लोग पहले तो लोन लेते हैं, फिर उसी लोन से गवर्नमेंट और राजनीति में अपनी पहचान बनाते हैं, फिर उसी पहचान का फायदा उठा करके और लोन लेते हैं, इसके बाद अपनी पहचान और पहुंच का फायदा उठाकर विदेश भाग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है ये तो आप सभी को पता है दोस्तों, मीडिया उन्हें यहाँ हीरो बनाती है और वो विदेशों में मौत करते हैं और उनके द्वारा लूटे गए पैसों का बोझ हमारे सिर में आता है। सरकार हमसे ही टैक्स लेकर के ऐसे घाटे को पूरा करती है। पता नहीं दोस्तों, ऐसे लोगों को इतनी आसानी से कैसे लोन मिल जाता है और हमें तो यहाँ बैंक के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि जूते घिस जाते हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियोस तो मैं नहीं बनाता, लेकिन बात बैंकिंग की थी इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते, अब देखना यह है कि गवर्नमेंट क्या करती है। और आपके क्या विचार हैं दोस्तों ऐसे लुटेरों के बारे में, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।